करना चाहूँगा जो इस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बच्चों के लिए है, माता पिता के लिए है। और जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि यार कि मुझे बनना कुछ और है, मैं बनना कुछ और चाहता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके अपने मन में रखते हैं, वो अपने मन से कभी बाहर नहीं निकाल पाते। तो इन कारणों से कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आज हम इस फिल्म के द्वारा जुड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के द्वारा हम अपने देश को, पूरे वर्ल्ड में जितने बच्चे इस डिप्रेशन में आए हुए हैं, वो इससे सीख लें। क्योंकि क्या होता है कि माता पिता को भी इस चीज़ से सीखने को मिलेगा और बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। और मैं इस फिल्म में इकबाल का करेक्टर निभा रहा हूँ, जो कि बहुत ही थोड़ा सुलझा हुआ करेक्टर है, क्योंकि बचपन में मैं भी सुसाइड तक पहुँच चुका था। क्योंकि मेरे जो माता पिता होते हैं वो लड़ाई झगड़ों में बहुत ज़्यादा थे बचपन में, और जिस स्कूल में मैं स्टडी कर रहा था वहाँ के टीचर मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग थे वो मेरे को चिढ़ाते थे, अलग अलग बातों से चिढ़ाते थे, मुझको मुर्गा बनाते थे, ठीक है। और टीचर मुझको रोज़ टॉर्चर करता था, मारता था। तो मेरे घर में जो पेरेंट्स थे मेरे, उन्होंने मेरे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि आखिर मेरे बच्चे जहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल में, जिस स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे बच्चे के साथ में क्या हो रहा है। तो मुझे कभी पता ही नहीं चला, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि यार मेरे पेरेंट्स भी, कि मेरे हाथों में चोट लगी है, या फिर मैं क्या बनना चाहता हूँ, या मैं अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। तो यही सब लेके मैं एक बार सुसाइड करने के लिए जाता हूँ। तो जहाँ पे दिव्या लता, जो मेरी फ्रेंड है, जो हमारे अलग अलग करेक्टर हैं जो हमारे, तो दिव्या जी हमें बचाती है। और उसके बाद जब मैं स्कूल से निकलता हूँ, तो प्लेग्राउंड में कुछ मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर्स होते हैं जो सिखा रहे होते हैं, तो मैं उनको रोज़ जाते आते देखता था। तो मेरा सपना था कि मैं मार्शल आर्ट बनूं। तो इस मूवी में मैं अपना अचीवमेंट कर लेता हूं, क्योंकि मेरी जान बच जाती है, दिव्या जी मुझे बचा लेती हैं, तो मैं मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट बन जाता हूं इसमें। तो ऐसे ही दिव्या जी एक क्लास चला रही होती हैं, तो उनका एक स्टूडेंट ऐसे ही सुसाइड कर लेता है। उसके बाद वो हमको फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद ये मुद्दा सामने आता है कि कल जिन्होंने हमारी मदद की थी, जिनकी वजह से हम आज ज़िंदा हैं, जिनकी वजह से हमारे सपने पूरे हुए हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को बचाया जाए जो सुसाइड करते हैं डिप्रेशन में आके। तकरीबन साल में 4,500 बच्चे डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी पूरी टीम चाहती है कि इस फिल्म के माध्यम के द्वारा हम उन बच्चों को बचा सकें, उन माता पिता को एक मैसेज छोड़ सकें कि आने वाले जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, कि हम उनको बचा सकें। इतना ही कहना जी, कि उनको पता चले कि हाँ, मतलब उन्हें जिसमें जो करना है, जिस फील्ड में उनको है, वही करना। वो तो सर 3 Idiots के थ्रू भी उनको मैसेज पहुंच चुका है सर, तो इसमें डिफरेंट क्या है? देखिए, 3 Idiots के थ्रू मैसेज पहुंच चुका है। वो युवा थे, और इनमें जो बच्चों की बात की जा रही है वो 12 से 13 साल के बच्चे हैं, जो बहुत नादान होते हैं, जिनको जो ना समझ होते हैं, ठीक है। मैं उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूँ। 3 Idiots में तो सर नादान बच्चे को क्या पता, वो क्या उनको तो काम यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि उनको नहीं मालूम है, वो बहुत नादान है। इसलिए मैं ये मैसेज, आप फिल्म के द्वारा देखना, इसमें बहुत सारी ऐसे मैसेजेस हैं जो बच्चों को पता चलेगा कि या कि हमें अपने पेरेंट्स से क्या बोलना चाहिए, या पेरेंट्स को पता चलेगा कि हमें बच्चों पर कहाँ कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स क्या है, वो चीज़ क्या है जिससे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है।